हम तो यही मांग करते हैं कि पिताजी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए और उनको डेरे में आके वो और भी आगे समाज सुधार जो भी काम करना है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ ममता जी जुड़े हैं जिनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं कि क्या है असली सच डेरा सचा सौदा व्यसन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा का। बीइंग गर्ल ये कैसा महसूस करती हैं आश्रम में, तमाम सवाल इनसे करते हैं। नमस्कार ममता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। ममता जी, आप कब से आ रही हो डेरा सचा सौदा संस्था? मुझे मैरिज के आफ्टर ही मैंने आना स्टार्ट किया था और मैंने यहीं पर नाम लिया आके, जैसे मैरिज के बाद ही, और मेरी मैरिज भी यहीं डेरे सच्चे सौदा में ही हुई है। मैम, आश्रम में डेरा सच्चा सौदा में आपको कैसा माहौल लगता है? हमें तो अपना घर जैसा ही माहौल लगता है। कोई ऐसी जो ये पब्लिक में जो इशू बनाए जा रहे हैं ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेस्ट से बेस्ट ही है। लड़कियों की सुरक्षा कैसी है मैम? नहीं, लड़कियों की बहुत अच्छी सुरक्षा है। हमारी फैमिली से भी काफ़ी यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, काफ़ी आ रही है स्टडी के लिए भी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी जो गवर्नमेंट दिखा रही है। मीडिया में काफ़ी प्रचार किया जा रहा था मैम, सब कुछ ही गलत है। जो भी मीडिया में प्रचार हो रहा है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आरोप जो दिखाया जा रहा है, नहीं सब गलत है। मैम फिर सच क्या है, संत जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या रोल रहा है समाज के लिए? देखो, हमारे लिए तो बहुत बेस्ट से बेस्ट ही है, हमें तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं जो गवर्नमेंट दिखा रही है। बाकी आगे गवर्नमेंट की मर्जी है, पर उन्हें छोड़ना चाहिए कि जनता की भलाई के लिए, जैसे जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो बेस्ट से बेस्ट ही दे रहे हैं। क्या जनता के लिए योगदान रहा है उनका? काफ़ी रहा है, विधवाओं का उन्होंने विवाह करवाया, जो ये वैश्या है उनको छुड़वाया, उनको वहाँ से लेके आया डेरे में, काफ़ी कुछ किया है जो होना चाहिए समाज के लिए, अच्छे से अच्छा ही हो रहा है। ज़रूरत है मैम आज उनकी? काफ़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अब डेरे में देखो क्या है, कितनी संगत आती थी और काफ़ी आते थे, समाज सवेरा का सुधार काफ़ी चल रहा था, अब तो कुछ भी नहीं है, कम होता जा रहा है। 4 साल अगर पिताजी होते तो और भी आगे बढ़ता। 4 साल हो गए, नहीं है संत जी समाज में, प्रभाव क्या पड़ा है समाज के ऊपर? प्रभाव तो क्या पर करना है, जो डेरे से जुड़े हुए हैं वो तो अब भी जुड़े ही हुए हैं, बाकी ये है जिन्हों को जुड़ना चाहिए वो अब थोड़ा कम होता जा रहा है। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे? हम तो यही मांग करते हैं कि पिताजी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए और उनको डेरे में आके वो और भी आगे समाज सुधार जो भी काम करना है वो करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार अपील की जा रही है, लगातार मांग की जा रही है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा को जल्द से जल्द समाज में वापस आना चाहिए। जो आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। आप भी सोचिएगा, लगातार हमारे साथ फैमिलीज जुड़ रही हैं, लगातार पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है, आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के लिए जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, देखते रहिए सच्ची बातें द फैक्ट आई के साथ। बहुत